वाइब्रेंट पाकिस्तान। अच्छा, वाइब्रेंट पाकिस्तान मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2006 या 2007 में बनी थी। उसके बाद से हम आज तक सही मानों में कोई डॉक्यूमेंट्री ही नहीं पैदा बना सके, पिछले एक 5-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जो हम मिशन में दिखा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी, जो शायद हमारा अंदरूनी तौर पे वो कोऑर्डिनेशन नहीं, प्रायोरिटीज कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होना भी चाहिए। नहीं। आप अंदाजा लगाइए, ब्राज़ील के साथ हमें हिदायत मिनिस्ट्री से आई कि देखें आपके पब्लिक डिप्लोमेसी में बहुत एफर्ट होनी चाहिए, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। हमने 3-4 प्रपोजल्स बना के भेजी है कि देखें यहाँ जो म्यूजिशंस पेपर, यहाँ क्योंकि थोड़ा सा खुशबाश कौम है वो म्यूज़िक और कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे जो कंपिटिटर्स हैं रीजन से एशिया से वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर हमारे आपके जो खाने पीने के जो रवायत है, क्वालिटी है चीज़ों की, उसकी बहुत डिमांड है। तो मैंने कहा कि मैं प्लान करता हूँ एक कल्चरल इवेंट बड़ा करना चाहता हूँ आपके जो लाहौर के एक बहुत ज़बरदस्त एक टीम म्यूजिशंस के बहुत पॉपुलर हुए, सचल सचल है, सचल सचल। सचल बहुत पॉपुलर हुए, तो मैंने उसके जो छोटे छोटे वीडियोस शेयर किए लोकल ऑर्गेनाइजर से, दे हुए मैड आफ्टर मी अच्छा, जी सर ये कैसे हो सकता है, उनको बुलाना चाहते हैं कैसे करें, लोकल हॉस्पिटलिटी हम दे देंगे, आपके अरेंजमेंट सारा हम कर देंगे अगर आप उनको लेके सिर्फ हमारे हाथ पहुंचा दें। पहुंचा दें। जब पाकिस्तान में प्रपोजल लिखा है उन्होंने अप्रिशिएट शुरू में एक आध लफ्ज़ में किया, बाद में वो पैसे देने को तैयार नहीं है। और वो पैसे कहते कितने हैं चाहिए थे उसके लिए? कितने चाहिए उसके, कोई हमने कोई $40,000 अच्छा, ये तो खैर काफी ह्यूज अमाउंट है, मुराद। अमाउंट है। हमने कहा टोटल था प्रोग्राम